नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। के पाठक चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन विद्यालयों की कुछ ऐसी तस्वीरें निकल के सामने आ जाती हैं जिसके बाद जो है शिक्षा विभाग पर सवाल खड़े होने लगते हैं। अब जो है ताज़ा मामला जहानाबाद से निकल के आया है, जहां पे रसोइया जो हैं वो चावल बेचते हुए ग्रामीणों ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया है, जिसके बाद ग्रामीण काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हो गए हैं। दरअसल आपको पूरा मामला बता दें तो रतनी प्रखंड क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय गगनकुआं गांव का है, जहां शुक्रवार को विद्यालय के दो रसोइया जो है वो MDM का चावल यानी कि बच्चों के खाने के लिए जो चावल आता है उस चावल को बेचते हुए ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है आप वो सुने। मामला है यहाँ स्कूल में रसोइया के द्वारा ये मध्यान्ह भोजन का जो चावल है उसको ले जाया जा रहा है। तो ग्रामीणों के द्वारा पकड़ा गया रसोइया, सब लोग भाग गए और चावल को रखा गया। 40 किलो चावल था। जब पता किया गया तो इसमें हेडमास्टर और मास्टर के कहने पर लगातार यहाँ से चावल का बेचा जाता था, ले जा करके एक बोरा में भर करके और एक बार 5 बोरा 10 बोरा करके इन लोग जा करके दुकान में बेचने का काम करते थे। तो हम लोग इसलिए आज बैठे हैं कि बच्चों के साथ खिलवाड़ है, बच्चे लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं, गार्जियन लोग भी हैं। बच्चे लोग का कहना ये, जैसे मेरी माँ पंचायत समिति सदस्य भी है यहाँ, एक जनप्रतिनिधि के नाते भी हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। मामला है कि यहाँ के जो भी मास्टर हैं जब से ज्वाइनिंग लिए हैं तब से यहाँ परमानेंट हैं, आते हैं 10 बजे आएंगे ड्यूटी और 2:30 बजे बच्चे लोग को छुट्टी दे देते हैं। बच्चे लोग को मारने पीटने का भी यहाँ बच्चे लोग का शिकायत मिल रहा है। तो हम यहाँ चाहेंगे कि आज हम लोग 2-3 बारी मामला है, तीसरे बार है, जनता से आप पूछ सकते हैं, तीसरे बार का मामला है कि चावल यहाँ मध्यान्ह भोजन बेचा गया है लेकिन कार्रवाई नहीं होने के कारण समझिए मास्टर लोग का हेडमास्टर लोग का मनोबल ऊंचा हुआ है और लगातार बेचने का काम किया जा रहा है। दूसरा, स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। जब भी यहाँ गेट पर ताला लगा हुआ है, जब भी कोई ग्रामीण मिलने के लिए जाते हैं तो पहले वहाँ टीचर लोग बैठे होते हैं, जैसे ही देखते हैं कि आदमी आया दौड़ करके कक्षा कक्ष में जाने का काम करते हैं, अन्य तो उससे पहले बैठ करके और सब टीचर और मास्टरनी बैठ करके बात करने का काम करते हैं। अच्छा, अभी BO साहब आप आए थे यहाँ पे, क्या बोले वो? BO साहब बोले कि ऐसा है कि आज आप लोग ये कर दीजिए, हम आश्वासन देते हैं कि उनको ये कर, सुनिए ना, उनको हम यहाँ के जो भी टीचर यहाँ हैं इन लोग को हम बर्खास्त करने का अनुशंसा करेंगे, लेकिन हम लोग पब्लिक लोग को यहाँ कहना है कि जब ये तीसरा बार का मामला है तो जब तक इन लोग को बर्खास्त नहीं किया जाएगा या कहीं इन लोग को ट्रांसफर या डिपार्टमेंट में नहीं भेजा जाएगा, क्या मांग है, क्या मांग है? यही मांग है। ग्रामीणों का धरना है कि चावल पकड़ाया है, बेचने जा रहा था, चावल भराया, इसलिए डिमांड है कि यहाँ भाई लेकिन के शिक्षा बढ़िया से दो, लेकिन यहाँ तो सब मास्टर हैं, हेडमास्टर हैं, गुलाम गौस कौन तो हैं, वो मैंने मिली भगत से कारोबार करते हैं, सब अपने मछली खाते हैं, लेकिन के मध्यान्ह भोजन मिल रहा है और उसको बेच बेच के मछली या मुर्गा चल रहा है, यही तो गगनकुआं विद्यालय। यहाँ जनता से डिमांड है कि टोटल टीचर को ही यहाँ से ट्रांसफर किया जाए, अब दूसरा टीचर यहाँ बहाल किया जाए। ये आप लोग का धरना का जो है ये कब तक, मैंने अनिश्चितकालीन है? अनिश्चितकालीन के लिए ही धरना। अच्छा, जब तक मास्टर दूसरा मास्टर आएंगे नहीं तब तक ताला बंद रहे। पूरा ग्रामीण का इसमें सहयोग है, किसी प्रश्न का। तो आपने ग्रामीणों को सुना जो कि ये कहते हुए नजर आए हैं कि हमेशा ही बच्चे के खानों को लेकर MDM को लेकर लापरवाही बरती जाती है, रसोइया को उन्होंने रंगे हाथ पकड़ा है और इसकी जानकारी जो है शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दी गई है। लेकिन आपको बता दें कि प्रदर्शन कर रहे हैं ग्रामीण जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं और उनका कहना है कि स्कूली बच्चे को भरपेट भोजन न देकर MDM का चावल जो है वो बेचा जा रहा है, यहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की का जो है घोर अभाव है, यानी कि बच्चों को पढ़ाया भी नहीं जाता है ना ही उन्हें खाना खिलाया जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है ग्रामीण सड़क पे उतरे हुए हैं और उन्होंने रसोइया को रंगे हाथ पकड़ा भी है, जैसा कि आपने सुना होगा कि किस तरीके से ग्रामीण जो है आक्रोशित हो गए हैं, सड़क पे उतरे हुए हैं और शिक्षा विभाग के अधिकारी को भी इसकी जानकारी दी गई। तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि एक तरफ जहां IAS KK पाठक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव लगातार खुद
जाके विद्यालयों का औचक निरीक्षण करते हैं, लेकिन दूसरी ओर कुछ तस्वीरें और निकल के आ जाती हैं जिसके बाद सवाल खड़े होने लगते हैं। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।